हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं इधर आपसे लगातार कह ही रहा था कि अभी ग्रुप डी एग्ज़ाम होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी आरआरबी की तरफ से इसका कोई प्रिपरेशन नहीं किया गया है और उस पर अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं। अभी कोर्ट केस चल रहा है, अभी नोटिफिकेशन लिंक का इशू है जिसका कोर्ट केस चल ही रहा है, आपको मालूम है। और इसके साथ साथ अभी डेट्स खाली नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि पुराने पेंडिंग्स एग्ज़ाम जो है वो पहले होंगे। मैं बार बार ये बात आपसे कह रहा था, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि कम से कम आप सितंबर मान के चल सकते हैं। एग्ज़ाम सितंबर में भी हो सकता है, दिसंबर तक भी जा सकता है अगर कोर्ट केस खत्म नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कोर्ट केस को ही लेकर के। आपको मालूम होगा मैं लास्ट वीडियो 16-17 जून को बनाया था, जब मैं बताया था कि 15 जून की हियरिंग में जो हुआ था वो कन्फर्म इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिल पाया था। मैं बोला था जैसे अपडेट मिलेगा मैं आपको दूंगा, बट मैं आपको ये भी बताया था कि कैट का मामला है। कैट में क्या होता है फ्रेंड्स ना, कोई भी कोर्ट केस तुरंत अपडेट नहीं किया जाता है, उसके बाद हियरिंग हो जाता है, फिर पुरानी हियरिंग का डिटेल दिया जाता है। तो मैं आपसे उस टाइम बस यही कहा था कि 15 जून के बाद एनडीओएच मिला है, लेकिन एनडीओएच किस डेट को मिला ये कन्फर्म अभी नहीं हो पा रहा है। मैं इतना साफ कह देता हूं, ना तो केस डिस्क्लोज हुआ है और ना ही केस में ऑर्डर कोई आया है, लेकिन एनडीओएच जरूर मिला है। तो फ्रेंड्स, एनडीओएच भी मिल गया, उसके बाद भी एक हियरिंग हो गया, तब जाके अपडेट आया 15 जून को क्या हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, 15 जून के बाद 28 जून को एनडीओएच मिला था, ठीक है। और फिर उसके बाद अब आपको एनडीओएच मिल गया 5 जुलाई यानी कल का। मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए लिस्टिंग डेट दिखा रहा है ना, 28 जून। ये पता ही नहीं चल पाया कब एनडीओएच आया फ्रेंड्स, क्योंकि साइट पे कोई अपडेट लोग देते ही नहीं है। जब काम होता तब अपडेट देते हैं कि हाँ इस डेट पे ये होने वाला है। और फिर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग देख रहे हैं आप, नेक्स्ट लिस्टिंग डेट देखिए 5 जुलाई दिखा रहे हैं। इससे पहले 15 जून को हुआ था, आपको मालूम होगा। तो मैं उस दिन यही बोला था कि फ्रेंड्स एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, बस इतना पता चला है कि एनडीओएच कोई ना कोई मिला है। तो वो साइट भी इन्होंने अपडेट नहीं किया, इसलिए मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपका एनडीओएच क्या था, 28 जून था। तो अब उसमें क्या हुआ अभी तक ये कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन अब 15 जून का जो डेली ऑर्डर होता है वो मेरे पास आ चुका है। फ्रेंड्स, 15 जून को क्या हुआ है उसमें, मतलब जज साहब डायरेक्ट कह रहे हैं कि मतलब कि ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला मामला है कि हम क्या करें, कैंडिडेट्स अपनी जगह सही है, अगर आपको रिजेक्ट करना था फॉर्म तो तत्काल करना चाहिए था। और ऑनलाइन सिस्टम ऐसा होता है कि अगर कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करता है तो तुरंत बता दिया जाता है कि हाँ ये इस फॉर्मेट में नहीं है, तो कैसे आप इतना दिन टाइम ले लिया ये करने वो करने में। मतलब इससे कहा जा सकता है, उम्मीद बन गया है कि कैंडिडेट्स को फिर से मौका मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट आपको ऑर्डर शीट पढ़ाऊंगा, अपने पास से कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप कहेंगे अपने मन से कहानी बना रहा है, ठीक है। तो मैं ऑर्डर शीट पढ़ाता हूँ, आपको दिखाता हूँ उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये 15 जून का ही ऑर्डर शीट है जो मुझे आज मिला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, कोर्ट नंबर 1 और 15 जून 2021, ओए 1151/2019, नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट 13, राकेश कुमार यादव एंड अदर्स वर्सेस जनरल मैनेजर इसी रेलवे, आइटम नंबर 15 फॉर अप्लीकेंट्स एडवोकेट फॉर रिस्पॉन्डेंट्स एडवोकेट, दोनों का नाम यहाँ मैंने मतलब मेंशन नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो फ्रेंड्स, कैट का केस ऐसा ही होता है, आपको बहुत देर में अपडेट मिलता है, ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो देखें क्या लिखा है, वी हैव ज्वाइन दिस डिवीजन बेंच ऑनलाइन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, श्री सिद्धार्थ मिश्रा लर्न काउंसिल फॉर अप्लीकेंट इज प्रेजेंट ऑनलाइन एंड श्री एस के राय लर्न काउंसिल फॉर रिस्पॉन्डेंट इज प्रेजेंट इन कोर्ट। तो जो कैंडिडेट्स के जो एडवोकेट थे फ्रेंड्स वो ऑनलाइन हियरिंग में शामिल हुए हैं, और जो आपके जो उसके थे मतलब कि रेलवे के जो थे वो वहाँ पे डायरेक्ट कोर्ट में प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब रेलवे जो रिस्पॉन्डेंट है ना, तो उनका जो वकील है एडवोकेट वो डायरेक्ट वहाँ प्रेजेंट हुआ कोर्ट में, लेकिन कैंडिडेट्स के जो एडवोकेट है वो क्या ऑनलाइन प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है। तो मैटर कंसर्न्स एंड एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप डी इन विच लैक्स ऑफ फॉर्म्स वेर फिल्ड ऑनलाइन वाइड एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन डेटेड 12 मार्च 2019, इन केस ऑफ 127 अप्लीकेंट्स इन द इंस्टेंट ओ ए देयर फॉर्म्स वेर रिजेक्टेड ड्यू टू एलेक डिस्क्रिपेंसीज इन द अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स इन द ऑनलाइन फॉर्म, हैंस दे हैव प्रेड फॉर अपॉर्चुनिटी टू फिल द फॉर्म अगेन एंड देयर बाई अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। तो कहा जा रहा है कि ये कोर्ट केस ग्रुप डी वैकेंसी को लेकर के है, जिसका नोटिफिकेशन 12 मार्च को आया था, जिसमें 127 कैंडिडेट जो है और यहाँ पे केस किए हुए हैं। केस इसलिए किए हुए हैं क्योंकि उनका जो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया ड्यू टू मतलब फोटो में डिस्क्रिपेंसी वगैरह हुआ है, मतलब फोटो में प्रॉब्लम है बताया जा रहा है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, वी हैव हर्ड द लर्न काउंसिल्स फॉर बोथ पार्टीज, यहाँ एल डी का मतलब लर्न होगा फिर, ठीक है। वी हैव हर्ड द लर्न काउंसिल्स फॉर बोथ पार्टीज एट लेंथ, लर्न अप्लीकेंट काउंसिल हैज आर्ग दैट एज पर इन्फॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स इन केस ऑफ वन अप्लीकेंट द रीजन फॉर फॉर्म रिजेक्शन इज बिकॉज अ फोटो कॉपी ऑफ द फोटोग्राफ वॉज एलिगेडली अपलोडेड वेयर एज ओरिजिनल फोटो वॉज रिक्वायर्ड एंड इन केस ऑफ रेस्ट ऑफ द अप्लीकेंट्स इट इज सिंपली दैट इनवैलिड फोटो हैव बीन अपलोडेड, रिक्वायरमेंट बेइंग कलर फोटो JPG / JPEG फॉर्मेट विद
100 DPI रिजोल्यूशन, 2250 KB फाइल साइज। तो बताया जा रहा है एडवोकेट की तरफ से, कैंडिडेट्स एडवोकेट की तरफ से, कि जो कैंडिडेट्स यहाँ कोर्ट में आए हैं उनका इसे रिजेक्ट किया गया है। कहा जा रहा है क्योंकि उनके फोटो का फोटो कॉपी अपलोड किया गया है, रियल फोटो अपलोड नहीं किया गया, और बाकी का क्या है कि रॉन्ग फोटो ही अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो एज अगेंस्ट दिस द लर्न रिस्पॉन्डेंट काउंसिल हैज सबमिटेड दैट द ऑनलाइन फॉर्मेट वॉज डिजाइन शो दैट देर आर नो मिस्टेक्स इन असरटेनिंग द करेक्टनेस ऑफ फोटोज पर्टिकुलर एक्सेट्रा। दस मोर देन 1 in 15 lakhs फॉर्म्स वेर फिल्ड एंड अप टू 5.11 lakh फॉर्म्स रिजेक्टेड, ऑफ विच सम 4.74 lakh फॉर्म्स वेर रिजेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्टी फोटोग्राफ्स। देयरफॉर इट इज नॉट द केस वेयर फॉर्म्स ऑफ द एप्लीकेंट्स ओनली इन दिस वे हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड रिजेक्टेड। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे कि जो नोटिफिकेशन आया था कि उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी मतलब ऐसा मिस्टेक नहीं है कि मतलब करेक्शन किया जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ पे 1,15,00,000 फॉर्म पड़े हुए थे जिसमें से लगभग 5 लाख फॉर्म रिजेक्ट हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोबारा आपके 4,74,000 फॉर्म रिजेक्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है एज अगेंस्ट दिस द एल्डी रिस्पॉन्डेंट काउंसिल हैज सबमिटेड दैट द ऑनलाइन फॉर्मेट वॉज डिजाइन शो दैट देर आर नो मिस्टेक्स। हाँ, बताया जा रहा है कि वहाँ पे मतलब कि कोई मिस्टेक नहीं कह सकता है कि ऐसा मतलब ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर होते हैं सेट होते हैं। मैं आपको पहले बताया फ्रेंड्स कि ऑनलाइन में क्या होता है, अगर आप गलत फॉर्मेट में फोटो वगैरह डाल देते हैं तो तुरंत बता देता है, फोटो एक्सेप्ट नहीं करता, तुरंत रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, आपको मालूम होगा ये बात, वहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है तुरंत, कहता है कि आपका फाइल साइज अलग है, पिक्सल अलग है, मतलब कुछ भी जो भी होता है बता देता है वहाँ पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसा क्यों नहीं हुआ। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, अपलोडेड वैलिड फोटोग्राफ्स विच इज वाई देयर फॉर्म्स हैव बीन रिजेक्टेड। तो जब वो वैलिड था फिर रिजेक्ट क्यों किए गए। आगे क्या लिखा है, टेकिंग द वेरियस फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन टू कंसिडरेशन वी फाइंड इट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वॉज एबल टू डिस्कर्न अ फोटो कॉपीड फोटोग्राफ फ्रॉम एन ओरिजिनल फोटोग्राफ एज हैज़ बीन द स्टेटेड रीजन फॉर वन ऑफ द कैंडिडेट्स। कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि ये बहुत अजीब सा बात है कि कैसे कंप्यूटर पहचान ले रहा है कि फोटोग्राफ की फोटोकॉपी वहाँ लगाई गई है ओरिजिनल फोटो के जगह पर, ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, फर्दर मोर इट इज़ ऑल्सो नॉट क्लियर एज टू हाउ वेयर द फोटोग्राफ्स रिपोर्टेड एज बिंग इनवैलिड ओनली आफ्टर लैप्स ऑफ सेवरल मंथ्स आफ्टर दे हैड बीन अपलोडेड। कहा जा रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है, आखिर इतने दिनों बाद क्यों कंप्यूटर को पता चला कि वो फोटो खराब है, मतलब वो इनवैलिड है या फिर फोटोकॉपी है। टाइपिकली एज पर आवर लिटिल अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमारी छोटी सी जानकारी के अनुसार कहा जा सकता है कि एनी फॉर्म रिक्वायरिंग अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ इन स्पेसिफाइड जेपीजी फॉर्मेट एक्सेट्रा इज रिजेक्टेड इंस्टेंटेनियसली एज सून एज इट अपलोडेड बाय द सॉफ्टवेयर विच इज स्पेसिफिकली कॉम्पिटेंट टू काउंट द पिक्सल्स एंड द फॉर्मेट इन विच द फोटोज आर अपलोडेड एंड वेदर दे मीट द सेट स्टैंडर्ड्स। कहा जा रहा है कि हमें जहाँ तक जानकारी है कि जब कोई भी फॉर्म आता है, कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें कुछ जैसे क्राइटेरिया रहता है कि आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज में होना चाहिए। तो अगर ये सब नहीं रहता तत्काल कंप्यूटर बता देता है कि आपका ये फोटो फॉर्मेट में तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ तक बात कैसे पहुँच गई, इतना महीना क्यों लिया गया बताने के लिए आपका फोटो सही नहीं है। ठीक है, तो इन द प्रेजेंट इंस्टेंस द फैक्ट दैट द रिजेक्शन वॉज नॉट सोन टू बी इंस्टेंटेनियस as stated by the applicants and not controverted by the learned respondent council. तो यहाँ पर क्या हुआ है फ्रेंड्स, बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स के काउंसिल तो बोले हैं कि यहाँ पर तत्काल क्यों नहीं रिजेक्शन किया गया, क्यों इतने दिन बाद किया गया। और यहाँ पर फिर जो रिस्पॉन्डेंट काउंसिल थे यानी कि जो रेलवे की तरफ से एडवोकेट थे, वो इस बात पर कोई जवाब नहीं दे पाए, यानी कि वो यहाँ पर फंस चुके हैं, यानी कि कैंडिडेट्स की जीत लगभग अब होनी तय है। कैंडिडेट्स के मामले में ये कोर्ट केस जाने वाला धीरे धीरे। इट मेक्स अस वंडर एज टू हाउ लैक्स ऑफ फॉर्म्स वेयर एग्जामिन एंड इवेल्युएटेड आफ्टर कंसिडरेबल टाइम लैप्स विच मेक्स द होल कंप्यूटर बेस्ड फॉर्म्स स्क्रूटनी प्रोसेस अ बिट अनक्लियर विच देयरफॉर रिक्वायर्स फर्दर डिटेल एग्जामिनेशन। तो कोर्ट तरफ से कहा गया बहुत ही आश्चर्य की बात है, कैसे इतने लाख फॉर्म इवेल्युएट किए गए, एग्जामिन किए गए, वो भी इतने महीने के बाद, और जिसमें भी कुछ मतलब गलत हो गया, कुछ सही हो गया, मतलब कि बहुत कुछ मतलब यहाँ पे अनफेयर लग रहा है, अनक्लियर लग रहा है, जिसमें अधिक एग्जामिनेशन की जरूरत है, जांच पड़ताल की जरूरत है। अकॉर्डिंगली इट इज़ डायरेक्टेड दैट द लर्न रिस्पॉन्डेंट काउंसिल शैल एक्सप्लेन द होल प्रोसेस इन द नेक्स्ट हियरिंग डेट एंड बी असिस्टेड ड्यूरिंग हियरिंग बाई एन एक्सपर्ट सो एज टू क्लेरिफाई डाउट्स एबव। तो कहा जा रहा है फिर निर्देशित किया गया रिस्पॉन्डेंट काउंसिल को कि ये डिटेल में इस पर एक्सप्लेन करें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, पूरा प्रोसेस बताएं, और मतलब कि किसी एक्सपर्ट का मतलब उसमें हेल्प ले जाए लिए, और फिर बताएं कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर इतना टाइम क्यों लगे, तत्काल क्यों नहीं बताया गया। ओनली देन कैन द मैटर बी प्रोसीडेड फर्दर, तब
मतलब मैटर को आगे प्रोसीड किया सकता है, यानी कि रिस्पोंडेंट ऑफ फंस चुके हैं, अपना जवाब नहीं दे पाए कि क्यों तुरंत रिजेक्ट नहीं किया गया, तो उनको डेट दिया गया था 28 जून का। अब उसमें क्या हुआ अभी तक मुझे नहीं मालूम है फ्रेंड्स, ठीक है। आप देख सकते हैं 28 जून, और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 5 जुलाई मिल चुका है, यानी कल का मिल चुका है। तो हो सकता है कल की हियरिंग के बाद फिर फ्रेंड्स 28 जून का भी कुछ डिटेल आ जाए, 28 जून को क्या हुआ है, यानी कि आप समझ रहे हैं कि इनका साइट कितना पीछे चल रहा है। एक हियरिंग आगे चल रहा है, ये दो हियरिंग पीछे का ये डिटेल दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कल 15 जून के बाद 28 जून हुआ हियरिंग, फिर कल 5 जुलाई को हियरिंग होने वाला है। तो कल 5 जुलाई हियरिंग होने वाला, अभी हमारे पास डिटेल क्या है 15 जून तक का है, यानी 28 जून को क्या हुआ अभी हमें नहीं मालूम है। तो 28 जून का डिटेल कब मिलेगा, शायद जब कल की हियरिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद हमको 28 जून का मिलेगा, फिर नेक्स्ट हियरिंग के बाद कहीं हमको जाकर कल का डिटेल मिलेगा, यानी 5 जुलाई का डिटेल्स मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से इतना लगभग तय हो जाता है कि आपको मॉडिफिकेशन लिंक मिल सकता है, यानी इस हिसाब से एग्जाम में देरी भी हो सकती है, क्योंकि जब मॉडिफिकेशन लिंक मिलेगा तो लगभग एक महीना उसमें लग जाएगा फिर से स्क्रूटनी करने में। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, इनका रिजेक्ट हुआ था उनके लिए फायदे की न्यूज़ है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।